इतने में कुछ नहीं तो मारा पड़ा सारी उम्र खो दी थी। नाम तेरा कौन नहीं मैं आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं हूँ, मेरा छोटे दो बच्चे। लेकिन आज 2023 खत्म होने को है और फिर से चुनाव होने को है। यहाँ पे जितनी महिलाएं आई हैं, हैं जी नुजी सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2017 में ये जो स्कीम है सरकार लेके आई थी, और स्कीम इसलिए लेके आई थी जो भी गरीब है, गरीब तबका है, जो झोपड़ियों में रहते हैं या जिसके कच्चे मकान है, उनको पक्का मकान है वो मुहैया कराया जाए सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मोदी सरकार की स्कीम है धरातल पर फैल नजर आती है। जब वही लोग जब इस बात के लिए 5 साल के लिए रेंगते हुए रोटते हुए जब पहुंचते हैं सरकार के दरबार में, कहीं ना कहीं वहां पर ये जो स्कीम है जीरो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल फेल दिखाई देती है। तो आज पहुंचे थे ये जो 11 गांव की महिलाएं हैं, इसमें कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो विधवा है और ऐसे परिवार है जिनका गुजारा दिहाड़ी से चलता है, और वो दिहाड़ी छोड़कर आज यहां पर पहुंचे थे नरवाना के एसडीएम दफ्तर पर, जहां पर ज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की सुनवाई है कहीं पर भी नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप अगर ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करेंगे ताकि इनकी सुनवाई हो सके, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, अपने घर के ऊपर पक्की जो छत है वो हो सके, जिसको लेकर आज ये यहां पर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे थे एसडीएम दफ्तर। तो मैं चाहूंगा इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। अभिषेक तो मैंने उससे वीडियो से बात करी है, बजट आया नहीं, बजट आएगा फिर तो आपके अकाउंट में ये तो हुए लोग जिनकी पास हो गए, लेकिन बड़ी समस्या है। अगर थोड़ा पैसा हो तो सरोदों पर एसडीएम दफ्तर पर क्यों पहुंचे आप? मामा जी मारे मकान खातर जी मारे गांव में जाकर देखो जी मारे मकान है मारे मकान जी जी ले राम बरसा जी मारा बुरा रोज जी भीतर झुंडा में मामा जी कटोरिया गल पानी काटा जी बाहर इतने हालात खराब है जी मारे सरकार मां मोदी मामने बना गरीब माम बना खटन माम बना गांव में जाकर क्यों नहीं देखते गरीबा ने जी किसे मारा हालात है मारे गरीबा में देखना जी मारे मकान कच्चे मारे राशन काटने का बड़े मारा इतने में कुछ नहीं थे मारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम आई थी उसमें लिख नाम है आपका मारा जी कुछ नहीं मारा ये स्कीम जो नाम को नहीं आपका जो ये पहला ले जिसकी पास हो रही उनके पैसे नहीं भी लगा रहे और जो योजना ले मारे मकान और मारी भी कोई नाम नहीं जी क्या है मैं भी खट्टर साहब तो कहते हैं आपके सारे के पैसे आ रही है मकान बढ़वा दिया सरकार जड़ी के पैसे की बात करने की बात चला जोड़े कहते भाई पैसे दो कोई 30,000 मांगा जो 50,000 मांगा कोई 60 मांगा गरीब ना एक रोटी का एक दिन चीज काम कर लेते रोटी खा ले जी हमने बताया 50,000 हम करते देवांगे जी। अच्छा हां कॉलोनी पास जिसका मकान जिसकी कॉलोनी पास हो रही होगा आता मैं बोलूं। हां आप कॉलोनी कॉलोनी पास 5 साल हो गए। हां कोई आया कोई कोई अधिकारी कोई दो वर्ष हो गए नहीं मैं कॉलोनी। अच्छा कौन आया था?
सरकार तो कौन मकान बनवाया जी सर नहीं जी कर्मचारी गए थे दो बार चेक करके तो कलोनी को पैसे नहीं आए। हाँ जी कोई पैसा नहीं आया जी और जाओ और नौकरी आएगी आपकी आएगी। आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं मैं हूँ, मेरे छोटे दो बच्चे कमाणिया। आप विधवा हो मतलब? अच्छा आपको आपका मकान गिरन हो रहा है, आप जाके देख सको। महिलाओं की गरीब है जिनकी कॉलोनी पी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुई है, अभी तक पैसा क्यों नहीं मिल पाया इनको? देखिए सर ये जब मोदी सरकार आई थी उन्होंने ये पीएम आवास योजना जो चलाई थी उन्होंने कहा था कि 2020 तक पूरे भारत में पक्के मकान होंगे, लेकिन आज 2023 खत्म होने को है और फिर से चुनाव होने को है। यहाँ पे जितनी महिलाएं आई हैं, हमने जो कल से धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जो कॉलोनियां पास की गई है अभी तक पैसे नहीं आए, 5 साल हो गए हैं। ये तो आप हम नहीं कह रहे, ये तो सरकारी आंकड़ा गया है कि 5 सालों से कॉलोनियां पास की गई है लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया। और यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं पे कमाने वाला घर पे कोई नहीं है, ये विधवा महिलाएं हैं। अच्छा। इनके बच्चे छोटे छोटे ये खेतों में जाते हैं और ये दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर आ जाई है, तो सरकार को बनाने वाले भी ये हैं, तो सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए। जिन मकानों का सर्वे नहीं हुआ है उनका सर्वे करना चाहिए ताकि सबको पक्के मकान मिले। आज तक आज हमारा देश कहाँ पे पहुंच चुका है, डिजिटल इंडिया के नाम पे कहाँ तक जहाजों का निर्माण हो रहा है, बोल रहे हैं कि ट्रेनें चले हैं, चंद्रयान तक हम चले जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की लड़ाई मकान तक है, पक्के मकान की लड़ाई आज तक इनकी है, तो कैसे हमारा देश विकास करेगा जब हमारे गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। अच्छा तो जो कॉलोनियां पास हुई है कोई अधिकारी कोई कर्मचारी उनसे बातचीत हुई क्यों पास नहीं की जा रही, क्यों पैसा नहीं डाला जा रहा? कुछ सुनने में जब इनके पास कोई आता है तो उनसे पैसे मांगता है, 10,000 दे कोई, 20,000 दे कोई, 5,000 कोई, 50,000 भी 50,000 ही अपने खुद में कहते हैं, सामने से आके नहीं पीछे से पैसे दो हम। तब ये मैं ये जब ये बात हम पूछना चाहते हैं, आप पैसे लेकर ये काम करवा रहे हैं, पैसे लेकर ये चीजें हो रही है, तो आप अंदर से जांच क्यों नहीं करवा रहे? आपके हाथ में सब चीजें हैं, आपके हाथ में सत्ता है, पैसे है, पावर है। हम अगर हम कहीं धरना लगाते हैं आप तुरंत उठवा देते हैं, आपकी ताकत है। आप कहीं पे जाम लगवाते तब खुलवा देते हैं, आपकी ताकत है। तो आज अगर ये चीजें अंदर ये इस तरीके की चीजें चल रही है कि कोई पैसे मांग रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इनका क्यों नहीं रोक सकती सरकार? ने एक्शन लेना चाहिए, ये सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये सब पावर इनके हाथ में है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं हमारा धरना ये लगातार चलेगा, इसमें 11 गांव शामिल है, अगर जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानती, चाहे हमें जिंद भी ये धरना लेके जाना पड़े। आज हमने यहाँ नरवाना कोर्ट के बाहर कल से हमारा धरना शुरू है, अलग अलग गाँव के लोग हर रोज यहाँ आएंगे, और जब तक सरकार नहीं मांगेगी मांग हमारी मांगेगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा सर। ठीक है।